खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो अपने दर्शकों को दे देते हैं। खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। मेटाडोर के खाई में गिरने से 31 लोगों की मौत हो गई। जी हां, 31 लोगों की मौत हो गई है, खाई में गिर गई है एक मेटाडोर। मेटाडोर केशवान नाम की जगह से किश्तवाड़ आ रही थी, यात्रियों से भरी मेटाडोर जो है वो खाई में गिर गई, जिसमें 31 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें देखिए, भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां पर 31 लोगों की मौत हो गई है और इनको किस तरीके से लेकर आया जा रहा है हताहत लोगों को, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, किसकी गलती से हुआ है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन खाई में मेटाडोर के गिरने से 31 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ये बड़ा हादसा हुआ। आप बिल्कुल प्रतिमा, कितनी दुखद है ये तस्वीरें कि खाई में ऐसे एक एक्सीडेंट हो जाता है, मेटाडोर गिर जाती है और 31 लोगों की जान चली जाती है। अजय बाचलू हमसे जुड़ रहे हैं, इस समय का क्या अपडेट अजय आप हमें दे सकते हैं, राहत बचाव कार्य किस तेजी के साथ चलाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो बचाव कार्यों में आ रही है वो ये है कि केशवा का जो इलाका है काफी दूर दराज पार्कलैंड इलाका है और जंगल का इलाका है। किश्तवाड़ से भी केशवा जाने में कई घंटे लगते हैं और ऐसे में रेस्क्यू टीम्स को पहुंचने में थोड़ी देरी हुई है क्योंकि इलाका काफी दूर दराज का है, लेकिन अब प्रशासन और पुलिस की टीमें वहां पर पहुंच गई हैं। लगातार वहां पर जो प्राथमिकता होती है ऐसे एक्सीडेंट्स में कि जो डेड बॉडीज हैं और जो इंजर्ड हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, और जो ज्यादा इंजर्ड हैं, करीब जिनकी सात की संख्या बताई जा रही है, उन लोगों को अब एयरलिफ्ट करके जम्मू लाया जाएगा क्योंकि काफी दूर दराज का इलाका है और वहां पर उस तरह की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो ऐसे घायलों को चाहिए। तो ऐसे में अभी प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि इन लोगों को वहां से निकाला जाए जो घायल हैं, जिनमें काफी घायलों को वहां से निकाला जा चुका है और काफी डेड बॉडीज भी वहां से निकाली जा चुकी हैं। अजय, ये एक सवाल मेरा ये है आपसे, ये बता सकते हैं कि क्या आपके अब तक पता चल पाया है कि इसमें गलती किस ओर से हुई है, या किसी और की गलती की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, या खुद ड्राइवर की गलती की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ? देखिए, ऐसे बड़े सड़क हादसों में प्राथमिकता जांच की नहीं होती है, प्राथमिकता बचाव की होती है। मेरी अति वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है, मैंने भी यही सवाल किया था, तो अधिकारियों का ये कहना है कि अभी प्राथमिकता इस हादसे की जांच का नहीं है, बल्कि प्राथमिकता ये है कि वहां फंसे हुए लोगों को कैसे निकाला जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की कैसे जान बचाई जाए। तो फोकस इस समय इसी बात पर है कि वहां से लोगों को निकालकर उपचार किया जा सके और जिनकी जान बचती है ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जाए। ठीक है अजय, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा फिर हम आपका रुख करेंगे।